हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड लेवल व्लॉग्स में। मैं हूं अब्दुल रहमान और आज मेरे साथ हैं अब्दुल रहीम भाई, अफजल भाई और शाहनवाज भाई जो जूता सेट करते हुए। आज हम लोग जा रहे हैं पौना लेक की कैंपिंग के लिए। काफ़ी ज़ोरदार पूरी पैकिंग हो गई है और डायरेक्ट आप कल आएंगे हम लोग, ठीक है। अभी रास्ते में चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है, कि वहाँ का कैसा नज़ारा है और हम लोग वहाँ पे जाके बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए, आपको दिखाते हैं कि हम लोग वहाँ पे क्या क्या करते हैं। लिफ्ट आ चुकी है, चलिए। तो मुंबई से निकले हुए अभी हमको 2 घंटा हो चुका है। अभी रुके हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, एकदम गर्मा गर्म खाएंगे वड़ा पाव। मुंबई हम लोग पहुँच चुके हैं पनवेल, अभी हाईवे पे रुके हैं, कुछ देर नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग निकलेंगे। तो आइए पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं। भाई अभी हम आ गए लोनावला की घाटी में, बहुत ही मजा आ रहा है। क्या शाहनवाज भाई, एकदम मजा थे। शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बारी उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। पहाड़ी में आके जाम खाने का मजा अपना ही अलग होता है। कभी भी आप आके ट्राई करिए पहाड़ियों में आके जाम खाने का। जाम है, अमरूद बोलते हैं, जाम बोलते हैं, गोवा बोलते हैं, सब अपनी अपनी बात बोलते हैं। पेरू, महाराष्ट्र का पेरू, एक पेरू 25 रुपए का है। आडू लूट लिया साले ने मेरे को, आडू मगर फिर भी मजा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग पहुंच गए लोनावला लेक के पास। पीछे पहाड़ देख सकते हैं, ये सारी पहाड़ों में बारिश के टाइम रेनी सीजन बहुत ही अच्छे अच्छे झरने गिरते हैं। अभी तो विंटर का सीज़न है इसलिए बारिश नहीं है, पूरा ग्रीनरी हो जाता है पहाड़ पूरा, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने पौना लेक के पास, कैंप के पास। करीब 30 मिनट्स और लगेगा, 30 किलोमीटर्स बचा हुआ है। भाई रास्ते में भटक गए थे, 7 किलोमीटर आगे चले गए थे मैप के हिसाब से, शायद हम लोगों ने देखे नहीं कि उसको फॉलो करते हुए चले गए। अभी 7 किलोमीटर फिर रिटर्न आके दूसरा रास्ता पकड़ के अभी जा रहे पौना लेक तरफ। आप लोग अगर जाते हैं तो लोकल बंदों से पूछ लीजिए कि पौना लेक के लिए अगर डाउट है तो, अगर कन्फर्म है तो कोई ज़रूरत नहीं। बाकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, देखिए जंगल में आके फंस गए हम लोग। अब तो रास्ता सही मिल गया हमको, अब जाएंगे। भाई जंगल में आते आते पूरा रास्ते में अब्दुल रहीम भाई का पेट्रोल ही खत्म हो गया बाइक का। अभी ब्लैक में लेके डाल रहे हैं भाई पेट्रोल, फुल कर लो पूरा। बाकी अब इधर से जाने वाले हैं हम लोग पौना लेक पहुँचने वाले हैं, करीब ही आ गए हैं, करीब 8-9 किलोमीटर बचा हुआ है। कभी आपको पेट्रोल लगता है तो किसी को बताने का नहीं, बस चुपचाप से डला लेने का यहाँ से। ये देखिए ये दुकान है यहाँ पे। तो भाई साहब अभी हम लोग पहुंच गए हैं कैंप में, ये देखिए फर्स्ट व्यू ऑफ कैंप, पकड़ो इसको। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं, दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा।
काफिराना सा है इश्क है या क्या है। तो अभी हम अपना कैंप दिखाते हैं, अपना टेंट जो है ये देखिए सारे टेंट्स लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रहा है यहाँ पे आने के बाद। ये शुरू हम लोग आपको मालूम है कभी पीछे नहीं रहते, हम लोग के जो कैंप नंबर 1 और कैंप नंबर 2 ये दोनों हमारे हैं, दो दो पर्सन लोग सोएंगे। ये लो खोल के दिखाओ शाहनवाज, ये देखिए खोलिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही फर्स्ट क्लास गद्दा लगा हुआ है और तकिया चद्दर सब कुछ दिए हुए हैं। वैसे हम लोग तो अपना चद्दर लाए हुए हैं ताकि स्विमिंग पूल देखा स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल है नहाने के लिए, ये शायद मच्छी के लिए रहता होगा, स्विमिंग पूल ही है तो आइडिया नहीं है मुझे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया एकदम शांत। अभी मस्त ब्रेकफास्ट डिनर सब मिलेगा, खाएंगे दबा के और सोएंगे बढ़िया। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली, मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे दो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली, मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे दो ईद में होली। मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। शुक्रवार की शाम हंसी है, वो जाने मन है, ये फिल्मों में नंबर 1 है। हे टन 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 तारा, चलता है कि 9 से 12। हे टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। अरे आंख लड़ा के तूने मारा। देखिए अभी बारबेक्यू हो रहा है, रेडी तैयार एकदम जबरदस्त, किस तरह आग जला रहे हैं देखिए। घायल हो गया दिल बेचारा, चलती है क्या 9 से 12, चलती 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 चलती। तो भाई अभी हमारा आ गया बारबेक्यू, अभी बारबेक्यू का मजा लेते हैं और खाते आपको दिखाते हैं। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं हीरो जैसा और तू हीरो बस। और डिनर का टाइम हो गया है, अफजल भाई लोग आ गए बढ़िया नॉनवेज खाने के लिए। अनंतर के बाद नॉनवेज में क्या क्या है, सलाद है, रोटी है, चावल है, क्या है, अंडा कड़ी है, चिकन है, चिकन है, सब बहुत ही बढ़िया ग्रेवी में चिकन है, गर्मा गर्म एकदम जबरदस्त। और उधर वेज में भी है, वेज तो अपन खाते नहीं है। तो अब जा रहे हैं भाई डिनर खाने, जिसका इंतजार हमें सुबह से था। अब देखिए जबरदस्त खाना लगा हुआ है एकदम, ये देखिए यहाँ पे सलाद, अंडा करी और चिकन, चावल और रोटी। अपन रात में ज़्यादा खाते नहीं है, हिसाब से खाते हैं। और इधर वेज में देखिए पनीर का सब्जी है और पापड़ है, हलाल चिकन है, कुछ हम लोगों ने बोला था हलाल चिकन है, बहुत मेहनत की है। Come alive.
बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त नहीं तुझको कोई होश होश तो गुड मॉर्निंग एवरीवन भाई, अभी हम लोग उठे हैं सो के सुबह सुबह, बहुत ही ताजी ताजी सुबह हो गई है और इतना फ्रेश लग रहा है कि आज तक मेरे को ज़िंदगी में इतना फ्रेश कभी लगा ही नहीं होगा। बहुत ही ताज़ी ताज़ी हवा लग रही है, इधर से मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है और सब उठ गए। अफजल भाई उठ गए क्या? अभी थोड़ा उठा हूँ, थोड़ा सा बाकी है। अभी अफजल भाई 70% उठे हैं, अभी बढ़िया से उठेंगे थोड़ी देर बाद। और उधर अब्दुल रहीम भाई भी है, वो लग रहा है 99% उठ चुके हैं, 99% उठे हैं अभी नहाने। और इधर ये शाहनवाज सो रहा है, सो रहा है, सो जाता। और ये देखिए कितना बढ़िया लेक है, बढ़िया हम लोग का कैंप है। सबसे पहले हम ही लोग उठे हैं यहाँ पे, सब लोग सो ही रहे, देख सकते हैं आप, सब कैंप बंद है इधर। क्या हम लोग को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है, आपको मालूम ही है। वैसे ये बात मजाक की थी, सब लोग उठ चुके हैं, हम लोग लेट ही उठते हैं। और बढ़िया सनराइज भी हो चुका है इधर, और इसमें कोशिश करेंगे अभी इसमें नहलाने के शाहनवाज को विद सेफ्टी जैकेट, क्योंकि सेफ्टी जैकेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज सेफ्टी इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी। भाई साहब अभी करते हैं नाश्ता, बहुत ही भूख लग गई है सुबह सुबह, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। तो ठीक है, अब्दुल रहमान को आप देख सकते हैं पौना लेक जा रहे हैं नहाने के लिए, और बहुत ही गहरा नहाने तो सिर्फ बहाना ये आपको दिखाना है कि ताकि आप बिना सेफ्टी जैकेट के पानी में ना उतरे, जब तक आप श्योर ना हो कि मैं इस पानी में जा सकता हूँ या मेरी जान जा सकती, तो कभी मत उतरिए। सेफ्टी इज द नंबर वन प्रायोरिटी, बार बार मैं बोलता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह पानी में जाना चाहिए। इधर आइए, आप इधर आइए, मेरे पीछे पीछे फॉलो करना भाई। विदाउट सेफ्टी जा रहे हैं यार, पीछे वाले कैसे सेफ्टी ऑफिसर हो तुम? इसको मैं सिखाने के लिए बुलाया हूँ। अच्छा ठीक है, पहले डुबा के सिखाओगे? अभी इसके आगे बहुत ही गहरा पानी है, अभी यहाँ से हम लोग घुसने वाले अंदर, पूरा गोता लगाएंगे, इसके अंदर से सीप लेके आएंगे। ठीक है, काफी मजा आ रहा है भाई नहाने में, पानी में तो नहाना ही चाहिए पानी में नहाते लोग तो भाई अभी हम लोग नहा के फ्रेश हो गए, बढ़िया एक नंबर। अभी जाएंगे दूसरे तरफ और दिखाएंगे आपको। अब हम लोग निकल रहे हैं भाई, काफी एंजॉय किए और अपने साथ बाकी लोग को भी एंजॉय कराए। अब निकलते हैं और आपको इस खूबसूरत बगीचे का नाम बताएंगे। बगीचे का नाम ही बगीचा है, इस बगीचे का नाम ही बगीचा है। तो अब हम निकलने वाले हैं, बाहर आ गए, काफ़ी अच्छा इंतजाम था। ये हमारे भाई हैं, आपका नाम क्या है भाई? दौड़ी। हाँ, ये भाई बहुत ही अच्छा खातिरदारी की, हमारे बहुत ही हेल्प किए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही सपोर्ट किए, काफ़ी अच्छे स्टाफ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे बारबेक्यू था रात में, और ये किचन है यहाँ, यहाँ पे हलवा वगैरह बन रहा है, सब रेगुलर बना रहे हैं। हाँ सर कैसे वाड़ लो बना छान वाड़ला सब बढ़िया, बहुत अच्छा था। ओके भाई साहब, यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही बुरा चीज लगा मेरे को, यहाँ से करीब अंदर जब हम आते हैं ना, तो 3-4 किलोमीटर के लिए रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरा इधर गिट्टी पड़ा हुआ है, इस तरह रोड काफ़ी ख़राब है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो स्कूटी से मत आइए, स्कूटी एक्टिव एक्टिव से, बाइक है तो ठीक है, या फोर व्हीलर से आइए। ठीक है, स्कूटी एक्टिव है, पंचर हो गई तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा, एक गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन।
हाँ तो भाई अब ये पिक्चर समाप्त करते हैं। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके बाय बाय। गजरारे गजरारे तेरे खाते।